दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल गई होगी कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना दूसरा कार्यकाल जारी रखेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आवास है जहां पर वो रूबरू हो रहे हैं अपने खटीमा विधानसभा क्षेत्र के जनता के साथ। आप चंपावत विधानसभा में आए, बाहर सहर्ष चंपावत विधानसभा की जनता आपका इंतजार कर रही है। सहर्ष हमें बहुत कष्ट हुआ है, इतना कष्ट है कि हम अपनी वेदना यहाँ पर व्यक्त जो है सीट छोड़ूंगा। धामी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में प्रचंड भारतीय जनता पार्टी ने मिथक तोड़ा है पिछले 20 साल का। आज तक जो पार्टी रही है वो पार्टी आज तक सरकार में दोबारा नहीं लौटी। गढ़वाल से भी मेरे मित्र, कल मैंने जब बात की तो वो कह रहे थे कि धामी 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। धामी जी ने मतलब मुझे तब बड़ा खुशी हुई कि गढ़वाल के एक भाई ने मुझे कहा कि कोई भी गढ़वाल में जिला ब्लॉक और कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां पर धामी जी नहीं पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा जो बुलंद नहीं किया, ऐसा स्थान गढ़वाल में भी नहीं था। उनकी भी भावना है कि धामी जी जो है सीएम बने, ये भावना घर घर है। और मैं निमंत्रण देने आया हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने आवास पैतृक आवास से बाहर आ रहे हैं और खटीमा से जा रहे हैं देहरादून की तरफ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देहरादून के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं आप पुष्कर सिंह धामी जी, और ये गाड़ी से निकल गए हैं और ये उनका आवास है। अपने आवास से बाहर निकल रहे हैं खटीमा से और अपने कार्यकर्ता और खटीमा के निवासियों से बात करते हुए। देहरादून की तरफ जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं अंतिम बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले खटीमा के लोगों से क्या बातचीत कर रहे हैं। खटीमा की जनता मुख्यमंत्री पचा ही नहीं, बताओ हमारे गांव का बच्चा जो मुख्यमंत्री बन के आया, बता बेवकूफ जनता, इतनी नालायक जनता रही।